दोस्तों, एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए दो देशों को खून बहाते आपने कई बार सुना होगा, मगर क्या आपने कभी ऐसे जमीन के बारे में सुना है जिस पर कोई भी देश अपना दावा तक नहीं करना चाहता? फिर चाहे वो चीन हो या फिर दक्षिण कोरिया जैसा देश, या चाहे कोई और क्यों न हो, कोई भी वहां जाने के बारे में भी नहीं सोचता। जी हाँ, इस दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां बड़े से बड़ा देश भी अपने पांव रखने से कतराता है। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण इस जगह के हालात हैं। लाल सागर के करीब ये एक रेगिस्तानी इलाका है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठेगा कि लाल सागर का पानी तो लाल होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल हिंद महासागर एक नमकीन पानी की एक खाड़ी है। समुद्री सतह पर प्रवाल की मौसमी उपस्थिति के कारण यह कभी कभी लाल दिखाई देता है, लेकिन इसका पानी हमेशा लाल नहीं रहता। वहां से बहुत दूर ये रेगिस्तानी इलाका है बीर तवील। यहाँ बेहद सूखी और गर्म हवाएं चलती है। दूर दूर तक वीरान इस भूमि पर पानी और वनस्पति का कोई नामो निशान तक नहीं दिखाई देता। ऐसे में यहाँ जिंदा रहना आसान नहीं है। कुछ लोग इस रेगिस्तान में तेल और सोने के भंडार होने की बात भी कहते हैं, लेकिन किसी देश ने इसके बारे में पता लगाना भी उचित नहीं समझा और यहाँ कोई आना भी नहीं चाहता। दोस्तों, आपने सुना होगा इंदौर के रहने वाले एक भारतीय शख्स ने 2017 में खुद को इस जगह का शासक घोषित कर दिया था। उनका नाम था सुयांश दीक्षित। इस जगह को किंगडम ऑफ दीक्षित नाम दिया था उसने। साथ ही अपने देश का झंडा भी यहाँ लगा दिया और इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। उस समय ये बात काफी चर्चा का विषय बनी थी। इतना ही नहीं, उसने बकायदा एक वेबसाइट भी बनाई थी और लोगों को यहाँ के नागरिकता लेने और निवेश करने के लिए भी कहा, मगर वो खुद यहाँ ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। यहाँ से लौटने के बाद दोबारा वो कभी वापस नहीं आया और ना ही उसकी कोई खबर। बता दें, इसके पहले एक अमेरिकी और रूसी ने भी इस जगह पर अपना दावा पेश किया था, मगर कोई भी इस जगह पर कभी नहीं बस पाया। अभी तक बीर तवील पर किसी का भी दावा माना नहीं गया है। ऐसे में अगर आपको भी राजा बनना है तो फिर यहाँ एक कोशिश आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।